चाहे वो एक एम्परर का रोल हो या फिर एक चोर का। लास्ट दो डेकेड्स में हम कई सारे कैरेक्टर्स में ऋतिक रोशन को देखे हैं सिल्वर स्क्रीन पर, एंड एवरी टाइम हम स्पीचलेस बन गए उनके एक्टिंग स्किल से। एक बेहतरीन डांसर और एक्सट्रीमली गुड लुकिंग होने के बावजूद भी रिसेंटली हम उन्हें कुछ डी ग्लैमराइज रोल्स में भी देखे हैं पर्दे पर। तो इस बात से हमें पता चलते हैं कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जहां हम देखेंगे अब तक के कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऋतिक रोशन इन बॉलीवुड फिल्म्स और बताएंगे कि वो स्पेशल क्यों है। धूम 2। दिस टाइम ऋतिक रोशन हिट द सिल्वर स्क्रीन एज अ स्मार्ट थीफ, और धूम 2 इंडिया में अब तक का बेस्ट सुपर थीफ मूवी है। एक चोर पुलिस का मूवी होने के लिए इस मूवी में हम लोग ऋतिक रोशन को बहुत सारे डिफरेंट डिस्गाइसेस में देखते हैं। हर एक नए चोरी के लिए एक नया पहचान और एक नया रूप था इस फिल्म में ऋतिक का, एंड ही नेल्ड एवरी पार्ट ऑफ इट ब्रिलियंटली ऑन स्क्रीन। एक टाइम एक मॉडर्न स्केटर को देखते हैं हम, जो पुलिस को बुद्धू बना के ट्रेन से क्राउन गायब कर देते हैं, तो कभी एक ड्वार्फ बन के पुलिस से छुपते हुए चोरी कर लेते हैं ए यानी आर्यन, इस फिल्म में ऋतिक रोशन का प्ले किए कैरेक्टर, एंड एवरी टाइम वी गेट सरप्राइज विथ हिज स्किल्ड एक्टिंग। इस फिल्म में ना तो सिर्फ एक्टिंग बट ऋतिक का अनपैरेलल डांसिंग स्किल भी देखने को मिलता है, एंड फॉर ऑल दीज रीजन दिस वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ धूम सीरीज। फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तीन दोस्तों की कहानी जिनमें से एक थे ऋतिक रोशन। अपने दोस्तों में प्रोफेशनली सबसे कामयाब मगर अपने स्ट्रेनुअस काम के वजह से अंदर से अकेला एक लड़के का रोल में यहाँ हम ऋतिक रोशन को एक डिफरेंट एंगल में देखते हैं। फिल्म में हम ऋतिक रोशन को दो डिफरेंट वेज में भी देखे। फर्स्ट उसे हम देखते हैं एज अ स्लाइटली एरोगेंट सक्सेसफुल एज वेल एज अ बिजी प्रोफेशनल हु ऑल्सो लव्स हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इन द सेकेंड हाफ वी सॉ हिम एज अ मोर कॉम्पोज्ड पर्सन हु इज मोर कॉन्फिडेंट एंड फाइंड्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड एज यूजुअल ही इज स्टनिंग इन बोथ द हाफ्स। ये फिल्म अब प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। लक्ष्य, इन दिस फिल्म वी सॉ अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ ऋतिक रोशन। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक मॉडर्न डे लड़के का रोल प्ले किए थे जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं थे, और इस टाइम एक यूथ जिनके पास अपने मन में पैदा हुए कॉन्फ्यूशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं, ऐसे कैरेक्टर को उन्होंने अपने एक्टिंग के थ्रू रियल बना दिया स्क्रीन पर। इस कैरेक्टर का बेचैनी और कॉन्फ्यूशंस ब्यूटिफुली डिस्प्लेड होते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ गाने में। फिल्म के सेकेंड हाफ में जब उस लड़के को जिंदगी का मकसद मिल जाते हैं और वो एक रेस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिशियल बन जाते हैं, तब उस चेंज को भी ऋतिक ने अपने एक्टिंग के थ्रू ब्रिलियंटली कॉन्वे किए स्क्रीन पर। फिल्म वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड ऋतिक रोशन गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 50th फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सुपर 30। अब तक ऋतिक रोशन के जितने भी रोल्स के बारे में हम बात किए हैं वो सभी ग्लैमरस रोल थे। ईच टाइम द हीरो वॉज अ गुड लुकिंग गाई, पर इस टाइम हम ऋतिक रोशन को एक डी ग्लैमराइज रोल में देखे। इस फिल्म में उन्होंने बिहार का एक गरीब टीचर का रोल प्ले किए जो बैकवर्ड क्लास के टैलेंटेड बच्चों को IIT एंट्रेंस के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें IIT के एग्जाम में सक्सेसफुल बनाते हैं। एज एन एक्टर दिस वॉज अ चैलेंजिंग रोल एंड दिस टाइम ऑल्सो ही मेक दिस कैरेक्टर बिलीवेबल ऑन स्क्रीन। फिल्म अभी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। वॉर, इस फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स का थर्ड इंस्टॉलमेंट है, एंड दिस टाइम वी सॉ हिम एज अ स्पाई ऑन स्क्रीन। विथ हिज कैरिश्मेटिक पर्सनैलिटी लुक एंड एटीट्यूड ही पोर्ट्रेज दिस कैरेक्टर सुपर्बली। फिल्म में ऋतिक रोशन थे मेजर कबीर धालीवाल, चाहे वो कोई एक्शन सीक्वेंस हो या फिर डांस सीक्वेंस। फिल्म के हर एक पार्ट में द परफॉर्मेंस ऑफ ऋतिक रोशन वॉज सुपर्ब, एंड दिस वॉज वन ऑफ द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन इंडिया। फिल्म अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। विक्रम वेदा, इन विक्रम वेदा ऋतिक रोशन प्लेड वन ऑफ द लीड्स वेदा।
फिल्म में वेदा एक गैंगस्टर है हु लव्स हिज यंगर ब्रदर वेरी डियरली। दिस टाइम ऋतिक रोशन ने इस डिफिकल्ट कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया। एक गैंगस्टर जो अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में रूथलेस है, वही जब अपने भाई के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एकदम से एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। विथ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्रेजेंस ऋतिक रोशन डिलीवर्स द इनर पेन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस कैरेक्टर एक्टली ऑन स्क्रीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये फिल्म एक बहुत ही पॉपुलर तमिल फिल्म की रीमेक है और उस तमिल फिल्म में हम वेदा का कैरेक्टर में देखते हैं ग्रेट एक्टर विजय सेतुपति को। पर हिंदी रीमेक में ऋतिक रोशन ने वेदा को अपने अंदाज में पोर्ट्रे किए हैं स्क्रीन पर, जो इस टाइम भी इस आइकॉनिक कैरेक्टर को स्पेशल बना दिया, बट इन अ डिफरेंट वे। जोधा अकबर। दिस वॉज अ पीरियड ड्रामा फिल्म जहां बादशाह अकबर और उनके राजपूत पत्नी जोधा बाई की लव स्टोरी दिखाई गई थी और इस फिल्म में ऋतिक रोशन को एज अकबर देख के सभी लोग चौंक गए थे। अपने गुड लुक के साथ साथ उन्होंने अपने आप को एक अलग तरीके से स्क्रीन पर पेश किए एज एम्परर अकबर। चाहे वो फिल्म में उनके एंट्री सीन हो जहां पहली बार हम एडल्ट अकबर बादशाह को स्क्रीन पर देखते हैं और अपने महल के अंदर हाथी अस्तबल में एक बेकाबू हाथी को अपने कब्जे में लाने का एक्शन सीन हो या फिर जोधाबाई के साथ रोमांस के टाइम हो, सभी जगह पे ऑडियंसेस को लगा कि जैसे हम लोग असली अकबर को ही स्क्रीन पर देख रहे हैं। ना सिर्फ एक्शन और रोमांस सीक्वेंस, बट फिल्म में कई सारे इमोशनल सीक्वेंसेस भी है जहां हम एम्परर अकबर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उलझे हुए देखते हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड इन ऑल दोज सीक्वेंसेस ऋतिक रोशन वॉज ब्रिलियंट। फिल्म वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट और ऋतिक रोशन को इस रोल के लिए फिल्म फेयर और आईफा के बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। फिल्म को डायरेक्ट किए आशुतोष ग्वारिकर ने। एट प्रेजेंट ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छे लगे वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। वीडियो अच्छे लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।